एक साथ सवा शेर दिख रहे हैं। ये जय हो, ये आप लोगों का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। जय हो भोजपुरिया समाज। मुझे आज इस पार्टी में आके मैं खुद ही इतना खुश हूँ कि हंसूंगा तो फट जाएगा कपड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा ऋषभ जो है वो इतना हंसे कि उसके हंसी का कोई ये ना हो। मेरा बेटा खूब खुश रहे और दुनिया का हर खुशी हासिल कर ले। मेरे तरफ से पवन भैया को और पूरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू कि सबने आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जहाँ सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान हैं ये, और ये मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज इन्होंने आकर मेरे मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया और मेरा नहीं, खुद का अपना किया, क्योंकि इनका खुद का घर है और हम सब जितने भी भोजपुरी समाज हैं सबका एक परिवार है। और इस परिवार का एक भी एक हिस्सा हम सब दोनों भाई हैं, दिनेश लाल यादव भी हैं, सारे लोग हैं हिस्सा। और सबके दिल से थैंक यू। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, हमारी पब्लिक श्रोता, जो हम जिसको भगवान मानते हैं, चाहे वो पवन भैया हो, दिनेश भैया हो, मैं हूँ, तो सबको प्रणाम, दिल से थैंक यू, लव यू ऑल पब्लिक, महादेव। पवन जी कुछ आने में देर नहीं करते, लव यू, देर नहीं करते। मैंने 3 घंटे से है मेरे साथ, बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, इतने सालों तक नहीं आए, मेरे कहने का ये मतलब, आज देरी से ऐसा नहीं कह रहा मैं। तो क्या हो गया, मान लगे थोड़ा सा देर के लिए हम लोग भूल गए थे एक दूसरे को, फिर अपने घर वापस आ गए। सब लोग भूलते हैं। एक इनका वीडियो वायरल हुआ है 14 सेकंड का, जिसमें कह रहे हैं 3 लोगों पर इंडस्ट्री टिकी हुई है, बहुत सारा बवाल है। पवन जी, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, रिएक्शन देना चाहते हैं, कौन सी कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, पहले भाई की भावनाओं को समझिए, इसके बाद कोई अपना कमेंट करे। और ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी भाषा के जो बोलेला, जो समझेला, जो सुनेला, वो हम लोगों के लिए भगवान है, वो है तो हम है। ये पब्लिक का रिएक्शन नहीं है, ये कुछ लोगों का, चंद लोगों का रिएक्शन है, पब्लिक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और पब्लिक हमारे लिए आज भी भगवान है, कल भी भगवान है और आजीवन जब तक हम जिएंगे, हमारे लिए, हमारी पब्लिक ही हमारे लिए भगवान है और हम उसके लिए